नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नए स्टाइल का पापड़ और पनीर से स्नैक। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। ये इस तरीके से पनीर के टुकड़े काट लिए हैं, आप जितना चाहें बना सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने 8-10 पीस लिए हैं और इस तरह से काट के थोड़ा नमक डालेंगे, धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च जो भी मर्जी डालें, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच डालेंगे नींबू का जूस और इसे अब मिक्स कर लेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, जिस मर्जी का पेस्ट बनाएं आप वैसे ही डाल सकते हैं। इसे अब 5 मिनट के लिए रख दें। इसे हमने 5 मिनट रखा था। अब एक गहरी प्लेट में थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच पानी, और एक पापड़ लेंगे और उसको इसमें इस तरह से डिप कर देंगे जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। बस ज़्यादा नहीं करना, इसका सारा पानी निकाल दें यहाँ फैला के, और इसमें गोलाई से थोड़ा आगे की ओर पीस को रखें और इसे हल्के हाथ से फोल्ड कर दें, इधर से रैप करें और इधर से रैप करें, और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे रैप करते रहें। ये देखिए, इस तरह से ये रैप हो गए हैं और इसे प्लेट में रखते हैं। ये हमने इस तरह से सारे बनाकर रख लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, तवे पर भी सेक सकते हैं, एयर फ्राई में भी सेक सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे इनको फ्राई कर सकते हैं। हम एक एक करके तेल में छोड़ देंगे। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये सब हमने कर लिए हैं सारे, अब इनको हम सर्व करते हैं। हमारा नाश्ता रेडी है और इसे आप सॉस के साथ लें, लहसुन की चटनी के साथ लें, हरी चटनी के साथ लें, दही के डिप के साथ लें, जैसे भी खाएं या वैसे ही खाएंगे तो बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बना है। और इसको आप एकदम से कुरकुरा करारा वैसे ही खा सकते हैं, और इसको काट के भी, ये देखिए बड़ा ही क्रिस्पी और बढ़िया नाश्ता बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।